हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल एम एस डी जे ऑल डी जे एंड टेक्निकल सोल्यूशन पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक 16,000 डी जे सेटअप के बारे में, जिसमें बेस, टॉप, एम्पलीफायर, क्रॉसओवर, मिक्सर, ऑल डिटेल्स सेटअप पूरा रहेगा। और इसका डिटेल स्पेसिफिकेशन, लोड कैलकुलेशन और इसका मार्केट प्राइस क्या रहेगा, ऑल सेटअप का सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम बेस के बारे में। तो हम लोग यहाँ पर एक्चुअली हैवी बेस एक डीजे सेटअप के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो इसमें आपको 2000 वाट का सिंगल बेस 8 लेना है, जो कि 2000 वाट का 8 बेस यानी 16,000 का खाली बेस आ जाएगा आपको। इसमें अच्छा खासा वाइब्रेशन और साउंड क्वालिटी देखने के लिए मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर जो बेस यूज़ करेंगे वो होगा एम प्रो का LD2000। 2000 वाट का सिंगल बेस आता है, सिंगल कैबिनेट के अंदर एक स्पीकर रहेगा और अच्छा साउंड क्वालिटी इसमें देखने के लिए मिल जाता है। तो इसको आपको लगाना है इसमें 8 बेस, और इसका जो मार्केट में प्राइस आएगा दोस्तों, आपको लगभग 35,000 के अंदर में आपको एक बेस मिल जाएगा, यानी 8 बेस का आपको 2,80,000 का पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जो बेस के लिए ना हमको एक अच्छा एम्पलीफायर भी चाहिए। तो अच्छा साउंड क्वालिटी के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे NX ऑडियो का MT1601। दो बेस के लिए एक एम्पलीफायर, अगर आप अच्छा साउंड क्वालिटी अगर आप चाहते हैं तो। अदरवाइज आप चार बेस के लिए एक एम्पलीफायर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरा रिकमेंडेड यही रहेगा कि आप दो बेस में एक एम्पलीफायर यूज करें, एक चैनल में एक ही एम्पलीफायर को यूज करें, जो कि काफ़ी अच्छा साउंड क्वालिटी आपको देखने के लिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और दोस्तों, MT1601 का प्राइस आप लोग को सभी को तो पता है, लगभग ये 60,000 के अंदर आपको ये मिल जाएगा एक एम्पलीफायर का प्राइस। अगर आप इसको चार एम्पलीफायर लगाते हैं तो 2,40,000 में आएगा, और दो एम्पलीफायर लगाएंगे तो 1,20,000 इसमें आ जाएगा। तो दोस्तों, अभी हम लोग बात करते हैं टॉप के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग जो टॉप यूज़ करें वो भी एम्प्रो कंपनी का है, और इसका मॉडल नंबर है CX1500। ये 1500 वाट का एक डुअल टॉप है। तो आप यहाँ पर चार टॉप यूज़ करने वाले हैं, और इसमें चार टॉप यूज़ करेंगे तो अच्छा साउंड क्वालिटी बेस के मैचिंग में आ जाएगा। और इसका प्राइस दोस्तों लगभग मार्केट में आपको मिल जाएगा 40,000 से 45,000 ये लेगा, और चार टॉप अगर आप लेते हैं तो 160,000 से लेकर 180,000 के अंदर आपको ये मिल जाएगा, और इसमें अच्छा साउंड क्वालिटी देखने के लिए मिल जाता है। इसमें HF भी इंक्लूड है, दो स्पीकर हैं और एक HF इसमें लगा हुआ है, जो कि अच्छा साउंड क्वालिटी आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाता है। और दोस्तों, इसके लिए हम लोग जो एम्पलीफायर यूज़ करेंगे, आप यहाँ पर CA18 और CA20 ये दोनों एम्पलीफायर इसमें यूज कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा आउटपुट आपको दे देगा। दोस्तों, एम्पलीफायर के प्राइस के बारे में बात करें तो ये लगभग आपको 50,000 के अंदर मिल जाएगा, और इसमें एक ही एम्पलीफायर चार टॉप को चला लेगा आसानी से, अच्छा साउंड क्वालिटी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये था बेस और टॉप के बारे में जानकारी। अभी हम लोग बात करेंगे इसके लिए हम लोग को कितने किलोवाट का जनरेटर चाहिए। तो दोस्तों, ये सेटअप को चलाने के लिए मेन चीज़ तो जनरेटर है, और जनरेटर अगर आपका ठीक लोड नहीं ले रहा है तो आपका साउंड क्वालिटी, आप जितना भी अच्छा एम्पलीफायर या फिर टॉप बेस लगा रहे हो, आपको अच्छा साउंड क्वालिटी नहीं मिलेगा। तो आपको ध्यान देना है कि इसके लिए एक अच्छा सा जनरेटर आपको चूज करना पड़े। तो इसके लिए दोस्तों सही रहेगा 30 किलोवाट का एक जनरेटर। आप शुरुआत में नॉन साइलेंट ले सकते हैं, जो कि आपको मार्केट में 2-2.5 लाख के अंदर आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर आप साइलेंट के ऊपर जाते हैं तो आपको ये 3.5 लाख तक मिल जाएगा आसानी से। आप किसी भी का ले सकते हैं, महिंद्रा किर्लोस्कर किसी का भी कंपनी से ले सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 30 किलोवाट से कम आपको नहीं लेना है, क्योंकि इसमें आपका लाइट्स वगैरह भी इंक्लूड होगा, क्रॉसओवर, मिक्सर, सब कुछ आपको इधर आपको इंक्लूड करना है। तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जनरेटर 30 किलोवाट का ही लेना है, ताकि आपको अच्छा साउंड क्वालिटी आउटपुट मिल पाए। तो दोस्तों, अभी हम लोग बात करते हैं इस टोटल सेटअप का प्राइस क्या रहेगा। तो दोस्तों, आपको बेस का, टॉप का, बेस के लिए एम्पलीफायर का, टॉप के लिए एम्पलीफायर का और जनरेटर का तो प्राइस बता दिया हूँ। रहा आपका मिक्सर और क्रॉसओवर का, तो ये सब चीज़ मिला के मिक्सर, क्रॉसओवर, बेस, टॉप, एम्पलीफायर,
आप सब कुछ मिला के आपको 10 लाख के अंदर ये सेटअप बन जाएगा, और जो कि काफ़ी अच्छा सेटअप रहेगा। और इस सेटअप के बारे में कोई मतलब ये नहीं है कि इसका साउंड क्वालिटी अच्छा नहीं है, कोई नहीं बोल पाएगा, अच्छा साउंड क्वालिटी इसमें आपको देख मिल जाएगा। और ये था दोस्तों हमारा पूरा टोटल 16,000 वाट के डीजे सेटअप के बारे में, ओनली बेस का 16,000, आप टॉप को इंक्लूड करेंगे तो ये फिर 6,000 का जा रहा है। तो अच्छा साउंड क्वालिटी और वाइब्रेशन देखने के लिए मिल जाएगा, और इस सेटअप को करते हैं तो आप सूरत में अच्छा पैसा भी कमा पाएंगे। तो ये था हमारा टोटल डीजे सेटअप के बारे में जानकारी। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले और एक बेहतरीन वीडियो के साथ। अभी के लिए अलविदा कीजिए, नमस्कार।